नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। भारत में किसी राज्य की कैबिनेट मंत्री सबसे कम उम्र में बनने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाली सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी को होता है। यह संयोग की बात है कि वैलेंटाइन डे पर जन्मी सुषमा की अपनी प्रेम कहानी भी काफी चर्चित रही है। अब आपको सुनाते हैं उनकी प्रेम कहानी के किस्से। गुलाब के फूल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है। इसी तरह सुषमा स्वराज की प्रेम कहानी इमरजेंसी के दौरान परवान चढ़ी, जैसे गुलेरी की कालजयी कहानी का नया संस्करण हो। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगवाई तो एक तरफ जेपी का आंदोलन तेज हुआ और दूसरी तरफ गुजरात में नव निर्माण आंदोलन। इन हालात में एवीवीपी की स्टूडेंट लीडर रह चुकी और वकालत पढ़ने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर चुकी सुषमा स्वराज की नजदीकियां साथ ही एडवोकेट स्वराज कौशल के साथ बढ़ी तो राजनीतिक कारण ही मूल में थे। असल में स्वराज कौशल समाजवादी नेता के तौर पर उभर रहे जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी थे। जॉर्ज ट्रेड यूनियन में थे, रेलवे कर्मचारियों के यूनियन के अध्यक्ष थे और बड़े मजदूर लीडर के तौर पर जाने जाते थे। जब इंदिरा गांधी सरकार ने जॉर्ज पर आरोप लगाया रेलवे का इस्तेमाल डायनामाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं ताकि सरकारी बिल्डिंग और रेलवे संपत्तियों को नष्ट करने के लिए धमाके कर सकें, तो स्वराज कौशल ने जॉर्ज का केस लड़ा था। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी और समाजवाद व जॉर्ज के पक्ष में विचार रखने वाली सुषमा और कौशल ने उसी साल 13 जुलाई को शादी की। कहा जाता है कि शादी के लिए दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला किया और फिर घर वालों को मना कर शादी की। शादी के 2 साल बाद सुषमा चुनावी राजनीति में आई, माथे पर बड़ी बिंदी और भरी मांग वाली छवि के लिए भी चर्चित रही। सुषमा की प्रेम कहानी परवान चढ़ी कि हर वैलेंटाइन डे पर जयंती आएगी तो सुषमा की याद भी चली आएगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।